गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप लोगों ने एक मेरे ट्यूशन ब्लॉग में कमेंट्स किए थे कि आप एक ट्यूशन से रिलेटेड एक और ब्लॉग बनाओ जिसमें आप अपने स्टूडेंट को पनिशमेंट देते हो जब वो होमवर्क और वो नहीं करते हैं। तो मैं आप सबको बता दूँ कि मेरे बच्चे होमवर्क भी करते हैं और लर्न भी करते हैं, बट अगर वो ना करें तो मैं उन लोगों को पनिशमेंट नहीं देती हूँ, उनको प्यार से समझाती हूँ। एक बार समझ नहीं आए, दो बार नहीं आए, बट उन्हें बार बार समझाती हूँ ताकि उनको समझ आए। बट मेरे को नहीं लगता बच्चों को पनिशमेंट देना सही होता है, और मेरा मानना तो ये है, मैं तो नहीं देती उनको पनिशमेंट, प्यार से समझाती हूँ। आई थिंक वो प्यार से ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं चीज़ों को। तो आप देखो कि मेरे बच्चों को ट्यूशन में हर चीज़ आती है। आप लोग देखो आगे बढ़ाओ। चल गिनती सुना दे। बोल बोल बोल। अच्छा ठीक है। अच्छा ए बी सी डी सुना दे, ऐसे ए फॉर एप्पल वगैरह जैसा भी सुनाना है। आर एस टी ऐसे भी सुना दे, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। सुना लिख रही है, कोई बात नहीं, ऐसे मुंह से सुना दे। आसे अनार और बड़े आसे आम, ऐसे सुना दे, जैसे भी आता है वैसे सुना। बड़े आसे बड़े उसे बड़े उसे ऊन जिसे ऐसे। हेलो गाइस, मेरा नाम हिमांशु। आज जो ट्यूशन पढ़ा रही है, कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास? क्लास में। कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। ठीक है, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, जो तेरे को लर्न करने के लिए दिया। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच के लिखो। ये जो कहानी है ना, वह चिड़िया जो, अगर इसका कोई और शीर्षक देना हो तो क्या दोगे, क्या शीर्षक दोगे? मैं ये शीर्षक देना चाहूंगा नन्ही चिड़िया या नीली चिड़िया। हाँ ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन कहाँ है कि इस कविता में ना, कविता पूरी पढ़ी है ना आपने, मैंने पूरी कविता पढ़ाई, तो इस कविता में क्या शीर्षक था, नहीं सॉरी शीर्षक नहीं, चिड़िया थी उसको किस किस चीज़ से प्यार था, ये क्वेश्चन है शायद सेकंड वाला। तो किस किस चीज़ से प्यार था चिड़िया? चिड़िया को अन्न, जंगल, नदी से बहुत प्यार था। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है इसमें? बाकी तो एक
चित्र बनाने के लिए है ना, बाकी तो सारे रीड है ना। ठीक है, ये कविता किसने लिखी थी? केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ओके ठीक है, गुड, ठीक है, बाय 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 गाइस। तो आप लोगों ने देखा कि बच्चे तो लर्न करके आते हैं, तो मुझे पनिशमेंट देने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है और मैं देती भी नहीं हूँ, मैं बच्चों को प्यार से समझाती हूँ बस। तो बाकी मुझे एक कमेंट और आया था ट्यूशन वाले ब्लॉग में कि मैम आपके पास सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है, बोलते तो और भी आने को बट मैं लेती नहीं हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मैं इसके साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ, तो मेरे से 2-3 चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती है, तो मैं ट्यूशन और नहीं देती हूँ। बाकी मुझे घर का भी काम होता है, ट्यूशन्स भी होती है और मुझे ऑफिस का भी देखना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग किससे रिलेटेड बनाऊं, क्योंकि मेरे को ट्यूशन वाले ब्लॉग के लिए भी कमेंट्स आए थे इसीलिए मैंने। तो मुझे आप लोग और बताइए कि मैं और कौन कौन से ब्लॉग बनाऊंगी, कंटेंट मुझे दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बना पाऊँ। मुझे ट्यूशन वाले ब्लॉग के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसीलिए मैंने ट्यूशन वाला ब्लॉग दोबारा बनाया, आप लोग मुझे बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगी ब्लॉग, और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी कि कौन सा कंटेंट बनाना है, कौन सा ब्लॉग बनाना है, आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करें। बाय बाय।